हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आप भी मंत्रा मशीन यूज कर रहे हैं रेगुलरली और अचानक से आपके कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम आपको शो होता है कि सब्सक्रिप्शन इज एक्सपायर, कॉन्टेक्ट नंबर दिया होता है, अगर आप इस पर कॉल भी करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगता है दोस्तों, जस्ट बिकॉज क्योंकि इतना बिजी रहता है ये कि इस पर कॉल नहीं लगता है, तो अगेन एंड अगेन कॉल किसी के आते रहते हैं इसलिए इस पर कॉल नहीं लगता। तो यह प्रॉब्लम इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि मंत्रा मशीन है वो एक कंपनी प्रोवाइड करती है, वो कंपनी को हर साल आपको सब्सक्रिप्शन देना ही पड़ता है मंत्रा मशीन का, तो उसको आपको कैसे रिन्यू करना है बस 5 मिनट का काम है दोस्तों, बहुत जल्दी से हो जाएगा। आप खाली वीडियो देख लो, आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैंने मंत्रा मशीन में जो ये एरर आ रही थी उसको सॉल्व किया, बस 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, सर्वप्रथम आपको जाना है गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है मंत्रा आरडी सर्विस। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये सर्च किया हुआ है मंत्रा आरडी सर्विस, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन, सबसे पहले ये आपको वेबसाइट दिखेगी सर्विको की, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, ये ओपन हो रही है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आरडी सर्विस सिलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे जाना है। यहाँ पे आपको आपका दुकान का या आप शॉप चला रहे हैं या फिर आपकी कोई ऑफिस है या कोई कंपनी है तो उसका नाम लिख देना है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे किस पर्सन ने आपको आरडी सर्विस मंत्रा मशीन आप किस पर्सन ने आपको बेची थी वो लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर डालना है, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नाम अगर है तो डालना है, नहीं तो उसको एज इट इज छोड़ देना है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज है वो 100 रुपीज है, प्लस वारंटी है 250 रुपीज। वारंटी लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप 100 रुपीज में आपका मंत्रा मशीन अगेन चालू कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर दिख रहा है, तो सीरियल नंबर को आपको क्या करना है, एड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर, अब आपको आपका मशीन का सीरियल नंबर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपका मंत्रा मशीन ओपन करना है। यहाँ पे यहाँ ऊपर साइड आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर लिखा है, जैसे मेरा ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है वैसे ही आपका मशीन का सीरियल नंबर लिखा है, वही सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐड कर दोगे उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा, 18% जीएसटी लगेगा, मतलब 100 रुपया जो है वो आपको टोटल 118 रुपया आपको पे करना रहेगा। फिर यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर देना है आपका, यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर देनी है, यहाँ पे आपका एड्रेस, पे फॉर किस लिए आप पे कर रहे हो आपको, अगर आप कोई बैंकिंग सर्विस यूज करते हैं तो लिख देना बैंकिंग सर्विस के लिए, रिमार्क में लिख देना आई वॉन्ट टू सब्सक्रिप्शन माय मंत्रा मशीन, इतना लिख देना, रिमार्क में लिखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है और पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको यूपीआई आईडी के थ्रू आपको पेमेंट करना रहेगा 118 रुपये। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पेमेंट की एक रसीद आपको मिली जाएगी, पेमेंट करते ही दोस्तों जो रसीद आएगी उसको आपको डाउनलोड कर देना है और अपने पास रखना है। दोस्तों आप जैसे ही डाउनलोड आप पेमेंट कर दोगे वैसे ही आपका मंत्रा मशीन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर बाय चांस अगर आपका एक्टिवेट नहीं होता है तो आपको आपका पीसी में, आप अगर आप चला रहे हैं तो पीसी आपको बंद करके फिर से चालू करना है तो आपका मशीन प्रॉपर वर्क करना चालू हो जाएगा तुरंत, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपका मशीन तुरंत काम करने लगेगा। और दोस्तों अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो एक बार आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करना है, इससे आपका मशीन रिफ्रेश हो जाएगा और आप उसको 1 साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।